हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। हिंदू लॉ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैंने पूरी सीरीज शुरू करी है, दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं थर्ड टॉपिक लेकर आई हूँ, तो सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक हिंदू को पता होने चाहिए। मैरिज से लेकर डिवोर्स, मेंटेनेंस, हर एक चीज़ जो कि उनके ऊपर अप्लाई होती है, लॉ उनके ऊपर जो काम करते हैं वो उनको पता होने चाहिए कि किस तरह से काम करते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक हिंदू शादी कब एक वैलिड शादी मानी जाती है, मतलब जब लड़का और लड़की दोनों हिंदू होते हैं जो उनकी शादी होती है कब एक वैलिड शादी मानी जाती है, उसके बारे में कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारे हिंदू लॉज में बताई गई हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। और तो उसी में हमने कंडीशन को डिस्कस किया था कि लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है वो आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। तो क्या होते हैं ये सपिंडा रिलेशनशिप, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ताकि बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ, एग्जांपल देके समझाऊंगी ताकि आपको उसको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए, बिल्कुल जो आपकी कॉमन लैंग्वेज में आप समझ पाओ उसी तरह से आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो क्या होते हैं सपिंडा रिलेशनशिप, अगर हम बात करें तो मान लीजिए मुझे शादी करनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे खुद को रख रही हूँ, आप जब समझोगे अपने आप से तो आप खुद को रख सकते हो। मान लीजिए मुझे शादी करनी है, अब जिससे मेरी शादी होने वाली है मुझे ये देखना है कि कहीं वो मेरे किसी सपिंडा रिलेशन में ना आता हो, और ये देखने के लिए मुझे चेक करना है अपने फादर की साइड से 5 generations और अपनी मदर की साइड से 3 generations। और फादर की साइड से जब मैं 5 generations काउंट करूंगी उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है वो मैं खुद हूँ, मतलब कि जो कंसर्न पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जिसकी शादी होने वाली है, जो कंसर्न पर्सन है वो फर्स्ट जनरेशन काउंट होगा हमेशा से, वो हमेशा फर्स्ट जनरेशन में आएगा। और बाकी हम देखेंगे असेंडेंट ऑर्डर में, असेंडेंट होता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि मैं हो गई, मेरे फादर हो गए, मेरे फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, ये चला गया बढ़ते क्रम में। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे कि मैं, आगे मेरा बच्चा, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, वो चला गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर को आप भूल जाओ, हम वहां पे बात करने वाले हैं सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। तो सपिंडा रिलेशनशिप हमेशा हम चेक करेंगे अपने असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे, और वो भी अपने फादर की साइड से 5 generations, मदर की साइड से 3 generations। सबसे पहले हम फादर की साइड से अगर देखें तो मतलब कि मेरे फादर, मतलब मेरे फादर के जो बाकी बच्चे होंगे उनमें मेरी शादी नहीं हो सकती। वहीं अगर हम बात करें मेरे फादर के फादर की, तो उनके भी आगे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनमें भी मेरी शादी नहीं हो सकती। उसी तरह से मेरे फादर के भी आगे फादर, तो उनमें भी जो उनका फैमिली ट्री बनेगा उसमें भी मेरी शादी नहीं हो सकती। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन मैं हूँ, ठीक है, मेरी शादी होने की बात है, मुझे 5 generations काउंट करनी है। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, उसके बाद ये मेरे परदादा हैं, और उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रेट जो आगे दादा आते हैं वो हैं, ये हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिला के जो 5 generations बन रही हैं, जो इनके फैमिली ट्रीज बनेंगे ना आगे, क्योंकि पापा का सिर्फ मैं ही तो बच्चा नहीं हूँ अकेला, ठीक है, मेरे साथ मेरे भाई बहन कोई और भी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि वो मेरे भाई बहन बनते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो दादा हैं आगे, उनके दादा के जो उनके भाई हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो वो भी मेरा फैमिली ट्री में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम ईजी कर दें तो बोलने का मतलब है सापिंड, एक ही पूर्वज को उनका पिंडदान जा रहा है, तो वहां पर हम 5 generations काउंट करके लड़का इनमें से किसी भी फैमिली ट्री से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो मैं और जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है हम बन जाएंगे सपिंड रिलेशनशिप में, हम आ गए और हमारी शादी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अगर लड़का भी हिंदू है और मैं भी हिंदू हूं तब की ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदू लॉ, तो हिंदू जब शादी होती है दोनों लड़का और लड़की हिंदू हैं उन्हीं के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। तो ये हो गई 5 generations फ्रॉम द साइड ऑफ माई फादर, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि कहीं दादा है, फिर दादा के जो आगे और भाई होंगे उनके जो बच्चे हैं, तो वो भी एक तरह से जो दादा है, ठीक है, उन्हीं को ही जो है वो पिंडदान कर रहे हैं, तो वो उस जनरेशन में आ गया, तो वो भी उसी रिलेशन में बन गया, मेरा सपिंड रिलेशनशिप बन गया मेरा उसके साथ, तो हमारी शादी जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, हम शादी नहीं कर सकते वहां पे। हम बात करें मेरी मदर की साइड से, मदर की साइड से हम सिर्फ 3 generations काउंट करेंगे, सिर्फ 3 का ही होता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि तो ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरी मदर है और ये मेरी नानी है।
तो इनका जो फैमिली ट्री है मदर का और आगे मेरी नानी का, इनमें जो है वो मेरी शादी नहीं हो सकती, मतलब इनके फैमिली ट्री में जो भी इनके बच्चे हैं आगे भाई बहन हैं यहाँ मेरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे सिर्फ नानी के जो आगे बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं सिर्फ उनको ही काउंट करना है, नानी के बाद पर नानी के बाद कोई और उनको मुझे नहीं काउंट करना है, मुझे सिर्फ इन्हीं के ही बच्चे, क्योंकि जो इनके बच्चे हैं ऑब्वियसली वो मेरी मदर के भाई बहन लगेंगे, तो वो मेरे मासी और मामा लगेंगे, तो जिनमें हिंदू शादियां नहीं होती हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि मदर की साइड से आप 3 generations काउंट करो और फादर की साइड से 5 generations काउंट करो। बोलने का मतलब है कि जिनको आप सांप पिंड दान कर रहे हो वहां आपकी शादी नहीं हो सकती। अब समझने वाली बात है कि आपकी जैसे गांव में शादी नहीं हो सकती, अब गांव में शादी क्यों नहीं होती थी, कभी सुना है कि बिल्कुल सेम गांव में कि एक ही गांव में लड़का और लड़की की शादी हुई है, नहीं होती है शादी। पे अगर आप मान लीजिए कि 7-8 घर हैं किसी के, तो हो सकता है कि जो उनके आगे बुजुर्ग रहे हो वो कोई एक ही पर्सन था और उसी के आगे बच्चे हैं जिनकी आगे वो उनकी फैमिलीज बढ़ रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता था कि जो लड़का और लड़की एक गांव के हैं तो आपस में वो भाई बहन ही होते हैं, तभी सेम गांव में जो है या पिंड में जो है वो शादियां नहीं होती थी। तो ये सिंपल सी टर्म है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने दादा परदादा सिर्फ इतना ही काउंट करना है फादर की साइड से और मदर की साइड से। मैं लव मैरिज वालों को नहीं कह रही हूं, क्योंकि लव मैरिज वाले तो कहीं भी कर लेते हैं, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां पे बात आती है कि अगर आपकी ऐसी शादी हो जाती है, और जैसे कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने शादी को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सांप इन द रिलेशनशिप, क्योंकि जो लड़का और लड़की थे वो 4th generation में ही जो है वो आपस में सापिंडा रिलेशनशिप में आ रहे थे, इस वजह से उनकी जो शादी है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई। यहाँ में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर किसी की फैमिली में या फिर मतलब किसी के कस्टम्स और किसी की परंपराएं ऐसी होती हैं किसी फैमिलीज की कि बहुत लंबे टाइम से वो ऐसी शादियां जो है वो अलाउड कर रहे हैं अपनी फैमिलीज में, लेकिन वो चीज़ें होती हैं जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, उनकी परंपराएं उनके कस्टम्स हैं जो उनको अलाउ कर रहे हैं, वहां पर ये शादियां अलाउड होती हैं, लेकिन अदरवाइज ये शादियां जो है वो अलाउड नहीं होती हैं। अब यही बात थी कि लड़का और की शादी बेशक जो अभी जजमेंट आई थी उसमें बेशक जो है वो पेरेंट्स की रजामंदी से हुई थी, लेकिन लड़के के मन में आ गया कि हमारी जो शादी है वो सापिंडा रिलेशनशिप में आती है, उसको डर था कि कहीं कल को हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कि बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स तो मुझे नहीं आती कि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इतना तो आप लोग भी समझते हो कि इसका मेन रीजन ये भी होता है कि देखो जो प्रॉब्लम है जो सेल्स है जो डिजीज है वो जो है वो फिर आपस में ही उसी जो फैमिली है या फिर जो भी आप कह लो कि पिंड है वो उसी चीज में जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है वो चलती रहेंगी। तो ये भी रीजन होता है कि शादियां जो है वो भाई बहनों के बीच में नहीं होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शादी है वो जितना दूर के लड़का या लड़की में की जाए, जितना दूर के जीन्स में की जाए, उतना ज्यादा सही रहता है। ये है बेसिकली सापिंडा रिलेशनशिप। किसी को वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन अगर पढ़नी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी लगा दूंगी। ये हिंदू मैरिज एक्ट के जो डेफिनेशन का Section 3 है उसके सब क्लॉज F में बताई गई है, लेकिन जो इसका सिंपल सा मीनिंग है वो यही इसका मीनिंग है कि सापिंडा रिलेशनशिप में लड़का और लड़की नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे रिलेशनशिप में वो आते हैं तो वो शादियां भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती हैं, जब उनमें से कोई एक स्पाउस अगर अपनी शादी को नल एंड वॉइड करने के लिए कोर्ट अगर चला जाता है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हम बात करेंगे प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप भी, जो है वो हमारे हिंदू लॉ में डिस्कस किए हैं कि जहां सापिंडा के अलावा भी ऐसे प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे शादियां अलाउड नहीं होती जब दो हिंदुओं की शादी की बात आती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और बीच बीच में कई बार क्या होता है कि सीरीज से हटके भी मैं कोई टॉपिक ले आती हूं जहां मुझे लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कुछ, तो मेरी कोशिश होती है कि वो वाला टॉपिक मैं पहले डिस्कस कर लूं, फिर जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूं। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। और अब मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।